सोच लीजिए, आपसे मैं पूछता हूँ, आपका शुभ नाम? राकेश। राकेश, आप किसके बेटे हैं? नाम बताइए। नरोत्तम जी के नहीं बेटे, आप अपनी माँ के बेटे हैं, लेकिन आप अपने पिता का नाम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि आज भी आपके अंदर मुगल घुसा बढ़ रहा है। एक बात ध्यान समझिएगा, जिस दिन आप नाम अभी भगवान राम से पूछते हैं आप किसके हो, तो कहते हैं मैं कौशल्या नंदन राम हूँ। कृष्ण से पूछते हैं, मैं कहा मैं देवकी नंदन कृष्ण हूँ। मतलब क्या है? कहा दुनिया में माँ के बेटे होते हैं, पिता के बेटे पिता के अंश होते हैं, इसलिए जिस दिन भारत माता, जिस दिन हमारी माओं का नाम हमसे आगे आने लगेगा, सीताराम राधे श्याम, दुनिया की सबसे शक्तिशाली देवी दुर्गा काली स्त्री, ज्ञान की देवी सरस्वती स्त्री, लक्ष्मी स्त्री, ठीक, गंगा यमुना सरस्वती कावेरी स्त्री, इनसे धर्म किसी का नहीं खराब हो रहा, सब पानी पी रहे हैं। और छोड़िए, आप भैया शादी करने जाते हो, 500 बराती लेके जाते हो, बंदी अकेले चल देती है घर से और कहती है चलो तुम्हें भी देख लेंगे, तुम्हारे खानदान की डेयरिंग देखो, और दूसरा करवा चौथ आ रहा है उनके पास, करवा चौथ तुम्हारा तोड़ देंगे, तुम खत्म हो जाओ, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं, उनका कुछ बिगाड़ सको, और वो कहती हैं तो बात अलग है। लेकिन राष्ट्र जो धर्म कह रहा है, जो शास्त्र कह रहा है, शास्त्र क्या कह रहा है? मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, गुरुदेवो भव। प्रात काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नाम, पहले माँ को प्रणाम करते हैं, तुम्हें माता च पिता तुम्हें बंधु च सखा, तुम पहले माँ को प्रणाम। आप एक बात समझिए, राधा कृष्ण सीताराम, आपको अपनी माँ का नाम लेने की तकलीफ क्या थी? क्योंकि आपको बताया नहीं गया, इसमें फॉल्ट आपका नहीं है, आपके पिताजी का, वो भी अपने पिता